अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ डीनो और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद डीनो, और वेलकम करता हूँ मैं अपने चैनल में आप सबको। और आज मैं मौजूद हूँ एक और फेस्टिवल में जिसका नाम है KLF कराची लिटरेचर फेस्टिवल, और ये बहुत ही मशहूर फेस्टिवल है कराची वालों के लिए, और बहुत से लोग आते हैं, यंगस्टर आते हैं, एक्टर्स आते हैं, म्यूजिक का कंसर्ट होते हैं, और ये इसी हवाले से जो है ये सब चीज़ें मशहूर होता है फेस्टिवल। और अपना मैं इंट्रो कराऊंगा, आप उमर अलवी एज यूजल मेरे साथ मौजूद हैं, और सबसे पहले मैं आज बोलूंगा कि ये अपना जो है वो सबसे पहले इंट्रो में बताएं ट्विटर का और इंस्टाग्राम की अपने अपने बता दें ताकि आप इनको फॉलो करें और देखें इनकी चीज़ें। ट्विटर इंस्टाग्राम के मेरी एक ही आईडी है umralvi_, आप जाके मुझे फॉलो करें। जरूर भाई फॉलो करना है, बहुत मशहूर पर्सनैलिटी है, जबरदस्त मीम बन रही होती है जबरदस्त, मैं बोल रहा हूँ यकीन करें आप जाए और जाकर एंजॉय करेंगे। अच्छा मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा और चलूंगा यहाँ पर, देखूंगा बहुत गहमा गहमी है आगे और बहुत मजा आने वाला है आगे, बड़ी जो है रंग रंगीनी है, और चलते हैं देखता हूँ क्या क्या यहाँ पर स्टॉल लगे हुए और दिखाता हूँ आपको। काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं, मुख्तलिफ कंपनीज वालों ने स्टॉल लगाए हुए हैं, और अब चलते हैं ज़रा अंदर अंदर देखते हैं क्या चल रहा है। गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो कराची लिटरेचर फेस्टिवल जो हो रहा है बीच लग्जरी होटल में हो रहा है, और यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद आई हुई है लोगों की, और काफ़ी रंग रंगीनियाँ हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं, फूड के भी स्टॉल हैं, लाइव म्यूज़िक आपने सुना पीछे चल रहा था, अब हम जो है वो स्टॉल की तरफ जा रहे हैं, कोई फूड कोर्ट भी यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी जो है अच्छी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, और लाइव यहाँ पर बारबेक्यू का भी कुछ इंतज़ाम है, रात को बारबेक्यू भी होगा। और अब मैं एक चीज़ दिखाने लगा हूँ कि लाइब्रेरी जो कि आजकल यंग जनरेशन में जो है वो पढ़ने की रीडिंग बुक्स की जो है वो आदत जो है बहुत कम होती जा रही है, तो उसके हवाले से उनको उन्होंने एक चीज़ बेदार करने के लिए कि भाई के बुक्स जो है रीडिंग जो है वो की जाए, तो उसके हवाले से एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे, और ये ऑक्सफोर्ड वाले ऑक्सफोर्ड प्रेस यूनिवर्सिटी वालों ने ये एक वैन में मूविंग लाइब्रेरी आप कह सकते हैं वो यहाँ पर जो है वो रखी गई है, और आगे चलते हैं देखते हैं इसके अलावा। ओके गाइस अब यहाँ पर देखो जो है रखा गया है वो नुमाइंदगी करता है आर्ट के हवाले से, उसके ऊपर जो है काफ़ी आर्टिटेक्चर जो है बनाई गई है, डिज़ाइनिंग और पेंटिंग की गई है, जो कि इस फेस्टिवल को जो है चार चांद लगा रही है, और सामने आप देख रहे हैं मेन स्टेज जो है वो सज चुका है, और ऑडियंस बस आ रही है, फुल होने वाली है, कुछ देर में जो है प्रोग्राम स्टार्ट होगा और जो है वो फेस्टिवल का आगाज़ किया जाएगा, मेहमान खुसूसी होंगे, मुख्तलिफ लोग होंगे यहाँ पर जो कि आएँगे और आकर इंजॉय करेंगे, काफ़ी जो है वो आर्ट वर्क किया गया है, डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत है, और टेंट बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने लगाया हुआ है, और मैं पूछूंगा उमर अलवी से कि वो इस बारे में क्या फील करते हैं, क्या वो जज्बात रखते हैं इस फेस्टिवल के हवाले से, कितने वो पुरजोश हैं। यस ब्रो बोलें क्या सीन है परफेक्ट, और बिल्कुल ये कराची लिटरेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एम सो अमेज्ड दैट्स अ गुड बॉय कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त कमेंट दिए। चलें देखते हैं आगे क्या हो रहा है, आगे के मनाज़िर दिखाते हैं हम। अब मैं एक स्टॉल पे आया था US एड वालों के से, और उन्होंने मुझे एक ये रीडिंग बुक दी है उर्दू की, और बचपन में पढ़ते थे, अब दोबारा से जाकर पढ़ेंगे क्या है एक और इनर कोर्ट यार्ड की साइड, और यहाँ पर जो है काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं,
और अमन फाउंडेशन का भी लगा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लग रहा है वो है कराची पुलिस के हवाले से स्टॉल, और यहाँ पर जदीद किस्म के ये जो है कॉस्ट्यूम और उनका गेटअप जो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले पे लगाए गए हैं, जो कि कराची पुलिस के मेरे ख्याल से अपग्रेडेशन होने वाली है, और उसके हवाले से इन्होंने ये जो है स्टॉल लगाया है। और इसके मुझे लग रहा है कि ये जो है स्टॉल काफ़ी जो है फ़ायदेमंद होता है कराची वालों के हवाले से, सिक्योरिटी रीजन के हवाले से, जो कि कराची की सिचुएशन जैसे चल रही है इसके हवाले से मैं कहता हूँ कि ये भी अच्छा इकदाम है जो कि कराची पुलिस ने उठाया है अवेयरनेस के हवाले से भी। और अब आगे चलेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट स्टॉल पर। अब मैं जो है बुक स्टॉल्स की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है वो बुक स्टॉल लगाए गए हैं, और मुख्तलिफ लिटरेचर के हवाले से, ड्रामा के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से बुक्स जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं, और काफ़ी वैरायटी है। काफ़ी राइटर्स ने जो है वो उनकी बुकें जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं काफ़ी तादाद में, और स्पेशली ऑक्सफोर्ड प्रेस वालों की तरफ से, जो ऑक्सफोर्ड वालों ने खुद पब्लिश की हुई बुक, वो भी जो है काफ़ी तादाद में जो है वो बुक्स यहाँ पर रखी गई हैं। आई होप कि मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और इस ब्लॉग को आपने लाइक ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब भी करना है, और शेयर भी करना है। और एट द एंड आप कुछ कहना चाहेंगे उमर ब्रो? क्या सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को यार, इनके चैनल सब्सक्राइब है, यकीन है इनकी आपकी वीडियोस पसंद आएंगी, बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। अगर कभी कभी इनके पास कैमरा नहीं होता मोबाइल से वीडियोस बना रहे, लेकिन व्यूअर्स को दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हैं। ये छोड़ते नहीं है कि अगर कोई मेरा इक्विपमेंट नहीं है तो मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगा। ये सिर्फ आप लोगों के खातिर है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। पीस आउट।